बिल्कुल ऐसे ही मार्केट जैसे लुक्स और टेस्ट की मिर्ची वड़ा अगर घर पर एकदम आसानी से बन जाए तो मजा आ जाए, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल टेस्टी मिर्ची वड़ा, और वो भी एकदम आसान सी प्रोसेस में। ये देखिए, हमारे मिर्ची वड़ा एकदम मार्केट जैसी लुक्स की ही बनी है। और एक मिर्ची वड़े को मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, स्टफिंग पूरे वड़े के अंदर कितने अच्छे से भरा हुआ है, और हर लेयर भी कैसे अलग से दिख रहा है। लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसे मिर्ची वड़ा। ये मिर्ची वड़े को आप शाम में चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, ऊपर से घर पर कोई मेहमान आ जाए या फिर पार्टीज वगैरह हो तो भी आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कप बेसन को अच्छे से छलनी से छान के लिया है, इसे बेसन में गुठलिया नहीं पड़ेगा। अब इस बेसन में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा। ये चावल के आटे से ही बड़े हमारा एकदम मार्केट जैसे कुरकुरा बनेगा। और डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों में मसल के डालेंगे। अब इन सारे चीजों को एक बार मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बना के तैयार करेंगे। पानी यहाँ पे आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, इसे बेसन में गुठलिया नहीं पड़ेगा और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आपका ठीक रहेगा। तो बैटर यहाँ पे बन चुका है, ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी। तो आप इसे रखते हैं साइड में और वड़े की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इस पैन में लेंगे 2 बड़ी चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ। अब लो फ्लेम पर ही इन दोनों चीजों को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। करीबन 2.5 से 3 मिनट भूनने के बाद अभी इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू निकल रहा है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट और 4 बड़ी चम्मच बेसन। अब लो फ्लेम पर ही इन सारे चीजों को कुछ देर के लिए भूनेंगे। ये बेसन अभी कच्चा है, बाकी मसालों के साथ अगर आप बेसन को भी ऐसे थोड़ा सा भून लेंगे तो स्टफिंग का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो करीबन और 2.5 मिनट के बाद देखिए बेसन भी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ मैंने 2 कप स्मैश्ड की हुई आलू ली है। 4 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉईल करने के बाद छील के ग्रेटर से ग्रेट करके ली है। तो ये सारे आलू को भी पैन में डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ी चम्मच चीनी और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन सारे चीजों को आलू के साथ अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। करीबन 5 मिनट हमें इस आलू को सारे मसालों के साथ भूनना है, और ऐसे बारी बारी मसाले डाल के भूनने की वजह से हमारी वड़े की जो स्टफिंग है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगेगा, बस आप ऐसे ही 2-2.5 मिनट बाद बाद चीजों को डालते हुए भूनना, इसे मिर्ची वड़े का टेस्ट एकदम मार्केट जैसी ही होगी। तो स्टफिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, ये देखिए ये पैन छोड़ने भी लगा है। अब लास्ट में इसमें मुट्ठी भर धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद आलू को और ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धनिया पत्ती को आलू के साथ अच्छे से मिला देना है। तो स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं और तब तक मिर्ची को काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने करीबन 300 ग्राम ऐसे बड़े साइज की मिर्ची ली है। मिर्ची बड़े के लिए यही मिर्ची को यूज किया जाता है। सारे मिर्ची को मैंने अच्छे से धो के साफ कर ली है, और फिर ऐसे पहले मिर्ची के साइड को काट के इसके अंदर की जो सीड्स है वो सारे के सारे निकाल दी है। अगर आप तीखा ज्यादा खाते हो तो आप इन सीड्स को नहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में सब लोग तीखा कम खाते हैं, इसीलिए मैं सारे सीड्स को निकाल रही हूँ।
और सीड्स को निकालते वक्त बस अब ध्यान रखना मिर्ची पूरी तरफ से फट ना जाए। सिर्फ एक ही साइड को काट के एक चम्मच से ऐसे घुमा घुमा के सारे सीड्स को निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे। और ये जो डंटल है इसे हमें काटना नहीं है, रहने देना है। और इधर स्टफिंग भी हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। अब एक मिर्ची को लेंगे और आलू की स्टफिंग को इसके अंदर ऐसे भर भर के डालेंगे और ऐसे चम्मच से स्टफिंग को थोड़ा सा दबा देंगे ताकि मिर्ची के अंदर कोई भी गैप ना रह जाए। स्टफिंग को आप हाथों से भी भर सकते हो, लेकिन जैसे भी भरे बस ध्यान रखना मिर्ची के अंदर कोई भी गैप ना रह जाए, वरना बड़ा उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। और लास्ट में इसे चम्मच से ऐसे स्मूथ कर देंगे। ये देखिए, तो अब इसे इस प्लेट में रख देंगे और ठीक ऐसे ही बाकी मिर्ची को भी स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। मैंने जो 300 ग्राम मिर्ची लिया था उसमें 16 मिर्ची आया था, और जो स्टफिंग मैंने बनाई है उसमें भी ये 16 मिर्ची पूरा स्टफिंग भर के कंप्लीट हुआ है। तो सारे मिर्ची हमारा यहाँ पे स्टफिंग भर के तैयार है। अब इन्हें बस कोटिंग करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो इतनी देर में बेसन भी अच्छे से फूल के सेट हो चुका है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इससे हमारा मिर्ची वड़ा बहुत ही फ्लफी सा बनेगा। तो ये देखिए बैटर एकदम रेडी है। और यहाँ मैंने तेल को भी मीडियम गरम कर ली है। ये देखिए वुडन स्टिक को तेल में डालने से इसमें से हल्का सा बबल आ रहा है। तो तेल बिल्कुल तैयार है मिर्ची वड़े को फ्राई करने के लिए। अब एक मिर्ची को इस बेसन के बैटर में अच्छे से डुबोएंगे और बेसन से कोट हो जाने के बाद मिर्ची को थोड़ा सा ऐसा हैंग करके रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो बैटर है वो बोल में गिर जाए, और इसे डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। और ऐसे ही कढ़ाई में एक बार में जितना आएगा उतना ही मिर्ची को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में उलट पलट करते हुए इन मिर्ची वड़े को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इससे मिर्ची वड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। लेकिन फ्राई करते टाइम आप फ्लेम को कभी भी हाई मत करना। तो ये देखिए ये मिर्ची वड़ा हमारा बन चुका है। तो आप इन्हें तेल से निकाल लेंगे और ठीक ऐसे ही बाकी मिर्ची वड़े को भी फ्राई कर लेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कोई भी आपकी सजेशन या फीडबैक या ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। नमस्कार।